ही लीजिए सर आपका ऑर्डर। रिधि तुम यहाँ पर? अरे रिधि आ गया ऑर्डर, तुम्हारे लिए तो मंगाया था। पर तुमने मेरे लिए मंगवाया क्यों ये? अरे रिधि तुम्हें पसंद है ना रसमलाई, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूँ, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी और देखो ना आ भी गई। लगता है सर काफ़ी प्यार करते हैं आप इनसे। हाँ भाई प्यार तो मैं इससे बहुत करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत करती है ना रिधि। लेकिन सर मैं तो इतने टाइम से आपके यहाँ पे ऑर्डर देता आया हूँ, ये मैडम तो मेरे को यहाँ पे कभी नहीं दिखी। अरे भाई वो क्या है ना, हमें अभी 2-3 महीने हुए रिलेशन में आए और इसके घर वालों को ना दिक्कत भी है जब ये बाहर जाती है, तो बस इसलिए। घर वाले? हाँ भाई इसके पापा मम्मी। वो क्या है ना, इसके पापा मम्मी की थोड़ी गाँव वाली सोच है, लड़की को ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाने नहीं देना, तो बस इसलिए। हो सकता है सर, लीजिए ना सर। हाँ लो एक मिनट को, ये लो 500 रुपये, ये तुम्हारी टिप है और हाँ मैं ना बहुत खुश होके दे रहा हूँ ये। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आप जान भी नहीं सकते कि ये 500 रुपये मेरे लिए क्या कीमत रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें जो आज टिप मिली है तुम इसका क्या करोगे? सर वैसे तो मुझे जब भी टिप मिलती थी तो मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ ना कुछ लेके जाया करता था। लेके जाया करता था? क्यों आज नहीं लेके जाओगे क्या? नहीं सर। क्यों क्या हुआ? वो कहना सर अब हम दोनों साथ में नहीं रहते हैं, शायद उसे कोई और पसंद आ गया है, तो हमारा डिवोर्स होने वाला है। अच्छा वैसे एक बात कहूँ तुम्हें, जिस भी लड़की ने तुम्हें छोड़ा है ना वो देखना कभी ना खुश नहीं रह पाएगी। अच्छा वैसे छोड़ने का रीज़न? वजह तो नहीं पता सर, पर हाँ कहाँ मैं 10-15 हज़ार रुपये कमाने वाला, और वो जिसको चाहती है ना वो बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा आदमी है सर आपकी तरह। वैसे एक बात कहूँ तुम्हें, जिस भी लड़की ने तुम्हें छोड़ा है ना वो ना और किसी की कभी हो नहीं पाएगी, और एक ना एक दिन ना तुम्हारे पास लौटकर वापस जरूर आएगी। वो सब तो नहीं पता सर, पर हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर वो अब खुद आकर मुझसे माफ़ी भी मांगेगी ना तब भी मैं उसे नहीं अपना पाऊँगा सर। मैंने अपनी सारी ज़रूरतें भुलाकर उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। सर आपको पता है मैंने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करी अपनी ज़रूरतों को भूलकर, मैं ओवर टाइम भी करता था ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं उसको खुश रख सकूं, पर फिर भी वो मेरे प्यार को नहीं समझ पाई सर। सर आप भी बताइए ना, इतना जी जान लगाकर उसकी ख्वाहिशें पूरी करी, उसके बाद भी कोई अगर हमें धोखा दे तो उसके साथ हम कैसे रह सकते हैं सर? मैं तो नहीं रह पाऊँगा। वैसे एक बात पूछूँ, तुम्हारी वाइफ दिखने में कैसी लगती है? सर वैसे तो नहीं बता पाऊँगा, पर हाँ अगर इन मैडम को सूट या साड़ी पहना दिया जाए ना तो सेम ऐसी लगेगी। अच्छा बेबी कहीं तुम तो नहीं हो, कहीं उधर भी और इधर भी? अच्छा ठीक है सर मैं चलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है नमस्ते, चलो रिधि। मैं एक बार उससे बात करके आऊँ। अरे तुम्हें उससे क्या बात करनी है? नहीं यार वो बहुत परेशान लग रहा था, क्या पता मेरे बात करने से थोड़ा ठीक फील करे। चलो ठीक है तुम बात करके आओ, अब तक मैं ये रसमलाई ओपन करता हूँ। धर्मेंद्र मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर तुम जो भी सजा दोगे ना मुझे वो मंजूर है, बस प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। रिधि शायद तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या बोला, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अगर मैं चाहता ना तो उसको सब कुछ सच सच बता देता, उसके बाद ना तो तुम यहाँ की रहती और ना वहाँ की, अभी तुम वहाँ की हो, तो प्लीज़ मत करो मेरा पीछा, क्योंकि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। धर्मेंद्र प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। रिधि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, दिन रात मेहनत की, ओवर टाइम किया जिससे मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, तुम्हारी हर ज़रूरत की चीज़ें जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें प्रोवाइड करा सकूं, और इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या मिलता है? धोखा? अरे अगर धोखा ही मिलता है ना तो भाड़ में जाए ऐसा प्यार, मुझे नहीं करना प्यार, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, और आज के बाद मेरा पीछा मत करना। धर्मेंद्र धर्मेंद्र